रूस और यूक्रेन का विवाद एक बड़े युद्ध का रूप ले चुका है और आज दुनिया में सभी की नजरें इन दोनों देशों पर हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि रूस और यूक्रेन के बीच में असली फसाद की जड़ क्या है? क्यों इन लोगों को लड़ाई करनी पड़ी? क्यों रूस को यूक्रेन के ऊपर चढ़ाई करनी पड़ी? तो आइए इस वीडियो में समझते हैं एक एक चीज। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिना स्किप किए पूरी डिटेल्स को समझें। तो आपको इस विवाद को समझने के लिए थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। 1991 में जब यूएसएसआर का विघटन हुआ, टूटा, तो रशिया बना और रशिया के साथ साथ छोटे छोटे 14-15 देश भी बने, जिसमें से यूक्रेन भी एक देश था जिसको बनाया गया। यूक्रेन एक महत्वपूर्ण देश है। तो सबसे पहले तो रशिया का एक भावात्मक टच है, भावात्मक एक कनेक्ट है यूक्रेन के साथ, क्योंकि यूक्रेन का बहुत सारा डेवलपमेंट रशिया ने ही किया है। दूसरी जो वजह है वो है यूक्रेन का नाटो में शामिल होने की इच्छा। एक्चुअल में क्या है कि नाटो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें अमेरिका लीड करता है और यूरोप के बहुत सारे देश हैं, जिसमें लगभग 30 देश हैं। और ये लोग क्या करते हैं, नाटो का क्या है काम कि अगर कोई एक देश किसी भी दूसरे देश पर चढ़ाई करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई भी दूसरा देश नाटो के किसी एक भी देश पर चढ़ाई करते हैं या कोई एक गोली भी मारता है तो ये सारे देश नाटो के जो 30-35 देश हैं वो सारे मिलकर उस पर चढ़ाई करेंगे। तो यूक्रेन का भी एक महत्वाकांक्षा थी, इच्छा थी उसकी कि हम भी नाटो में जाके शामिल हो जाएं और कल के दिन अगर कोई हमें दिक्कत होगी तो हमको भी नाटो सेव करेगा। लेकिन रशिया यूक्रेन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, बॉर्डर इसके बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। तो रशिया के पास अगर नाटो आ गया, मतलब यूक्रेन अगर नाटो में शामिल हो गया तो रशिया के बॉर्डर पर नाटो आ जाएगा। तो नाटो के रूल्स के हिसाब से अमेरिका या कोई भी देश अपनी सेना रशिया के बॉर्डर पर पहुंचा सकता था, मतलब यूक्रेन में पहुंचा सकता था। इससे रशिया के आंतरिक सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा हो सकता था। तो रशिया ने सोचा कि मैं आपको पैसा भी दे रहा हूं, मैंने आपका डेवलपमेंट भी किया, आप हमसे ही टूटकर बने हैं और अगर आप नाटो में शामिल हो जाएंगे तो ये हमारे लिए आंतरिक सुरक्षा का बहुत बड़ा विषय बन जाएगा जो मुझे बाद में सोचना पड़ेगा। तो कल के दिन खामियाजा भुगतने की बजाय हम आज ही उसका खामियाजा भुगत लें और आज ही हम इस पर चढ़ाई कर दें। तो इसलिए रूस ने सोचा कि हम अभी यूक्रेन पर चढ़ाई कर देते हैं और इसको हम इसके बहुत सारे देशों को हम अपने अंडर में ले लेंगे। रशिया चाहता है कि नाटो के जो देश हैं, मतलब पोलैंड वगैरह जो देश हैं, रोमानिया और आसपास के जो देश हैं, इसमें और रूस में बीच में एक बफर जोन रहे ताकि रशिया पर डायरेक्ट कोई चढ़ाई ना कर सके, रशिया पर कोई सैनिक गोली ना मार सके। इसके लिए वो चाहता था कि यूक्रेन नाटो में कभी भी शामिल ना हो और यूक्रेन में कभी भी नाटो की सेना आकर ना खड़ी हो। तो इसलिए यूक्रेन के ऊपर रशिया ने अटैक कर दिया। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि इस विश्व में अमेरिका और रशिया दोनों सुपर पावर हैं। तो रशिया कभी नहीं चाहेगा कि पूरे वर्ल्ड को अमेरिका के द्वारा लीड किया जाए और अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि रशिया के द्वारा पूरे वर्ल्ड को लीड किया जाए। तो नाटो जो अमेरिका इसमें डोमिनेट करता है, तो अगर ये नाटो में यूक्रेन शामिल हो गया तो अमेरिका अपनी सेना भेजकर रशिया को कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है और अमेरिका यूक्रेन के माध्यम से रशिया के पास पहुंचना चाहता था और रशिया पे अटैक करने के लिए कभी भी प्लानिंग कर सकता था। और दूसरी बात, अमेरिका हमेशा से रशिया के अपोजिट में रहा है और हमेशा से उल्टे सीधे सैंक्शंस लगाता रहा है रशिया के ऊपर, और अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो गया तो फिर उसकी चाल ये बहुत हद तक सफल भी हो जाएगी। इसलिए रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक करना ही सही समझा। अगली जो वजह है वो ये है कि अभी अभी रशिया ने एक नॉर्ड स्ट्रीम 2 नाम की पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन को बनाया है जो कि यूरोपीय देशों के पास जाती है और पूरे यूरोप में गैस को सप्लाई करती है। अब ये पाइपलाइन यूक्रेन से होकर नहीं गुजरती है, लेकिन जो अभी जो मौजूदा पाइपलाइन है वो यूक्रेन से होकर गुजरती है और उसके एवज में, पाइपलाइन को वहाँ से यूक्रेन से गुजारने के एवज में रशिया को अरबों डॉलर खर्च करने पड़ते हैं और अरबों डॉलर यूक्रेन को देने पड़ते हैं। अब अगर ये पाइपलाइन जो यूक्रेन से होकर नहीं गुजरती है, जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 है, तो यूक्रेन की जो कमाई है वो बंद हो जाएगी। इसलिए यूक्रेन कभी नहीं चाहेगा कि रशिया नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन का यूज़ करके गैस सप्लाई करे, बल्कि वो चाहेगा कि हमारे यहाँ से जो पाइपलाइन जा रही है उसी से गैस को सप्लाई किया जाए। लेकिन अमेरिका और दूसरे यूरोपीय देशों ने भी नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन को अपोज किया है ताकि रशिया उस पाइपलाइन से गैस को सप्लाई ना कर सके और यूक्रेन को भी पैसा मिलता रहे और दूसरे बेनिफिट्स भी होते रहें। लेकिन रशिया ने करोड़ों अरबों डॉलर खर्च किया है इस पाइपलाइन में, इसलिए उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा और इसलिए उसने सोचा कि यूक्रेन हमारी ही पाली पोसी बिल्ली है और आज हम ही को काटेगी तो कौन बर्दाश्त कर लेगा, इसलिए उसने यूक्रेन के ऊपर हमला करना ही सही समझा।
आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताएं क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद।